सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और खासकर राकेश भैया को भी धन्यवाद। ये भी कमाल के गायक है। अगर आप अभी बोलिएगा ना कि नया गाना जो है ये माइक लो और नया गाना गा के पूरा गाना गा के सुना दो तो ये सुना सकते हैं। अभी दे दीजिएगा ये मनोरंजन पे ये गाना गाना है, इतना टैलेंटेड है। जोड़ ये चीजें देखा है, जोड़ जोड़ के सुनाते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि बीच में ये मेरे से नाराज हो गए थे, अब क्या रीजन था क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे रूम पे आए थे एक दिन, हम लोग रात में सोए हुए थे, ये और मैं, इनका हाथ कितना लकी है मैं बता रहा हूँ। मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, कौन सा सिल्वर प्ले बटन? 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला। कितना वाला? 1,00,000 वाला। और इनसे जो है हमने जो है सिल्वर प्ले बटन का मतलब कि ओपनिंग कराया है, क्या अनबॉक्सिंग कराया है सिल्वर प्ले बटन। और मैंने सोचा कि इस वीडियो को जो है 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद डालूंगा, मैंने यही सोचा। तब तक मेरा 1,000,000 हो गया, 1,000,000 हो गया। इनका पांव मेरे फ्लैट पे पड़ा और मेरा चैनल जो है वो मतलब कि बहुत बड़ा योगदान इनका। ये चीजें, इनका कोई इंटरव्यू मेरे चैनल पे नहीं था, इनका ना कोई इंटरव्यू था ना इनका कोई गाना था मेरे चैनल पे, बस मैंने सिल्वर प्ले बटन का अनबॉक्सिंग कराया था। तो राकेश भैया कभी कभी जो है खिसी आ जाते हैं, सही कि नहीं है? पूरी इंडस्ट्री के और भी बहुत सारे लोग हैं, एक चीज है, लेकिन कमाल का टैलेंटेड कलाकार है, सम्मान होना चाहिए सभी कलाकारों का। और इन्होंने कहा कि कॉलेज है, स्कूल है, रवि किशन भैया इंस्टीट्यूट है, बड़ा बड़ा भाषण दिए, ये भी बोले इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, अरे यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी है, साक्षात भोजपुरी सिनेमा के यूनिवर्सिटी खड़े है रवि किशन, और रवि किशन से बड़ा कलाकार भोजपुरी सिनेमा जगत में अभी तक कोई नहीं हुआ है। और इनका एक फिल्म जो है लापता लेडी आया है, भोजपुरी से सफर तय करके वहां तक पहुंचे, और एक बार जाके उस फिल्म को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े कलाकार है। आज सांसद भी है, और मैं कभी कभी कुछ बोलता हूँ तो होता है, जैसे बोला था बिहार में सरकार गिरेगा तो गिर गया, बोला था पुल गिरेगा तो गिर गया, सही है कि नहीं है? भविष्य के मंत्री आप लोगों के सामने खड़े हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ बस। और भोजपुरी के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी आगे लेके जाएंगे, और मैं बस यहाँ गोरखपुर से बस इतना ही विनती करूंगा कि एक दिन हमारे रवि भैया के फिल्म जो बैठे ना वो ऑस्कर जीत जाओ, बस हमने सारा सपना पूरा हो गया। जय हिंद भैया। लास्ट बात, बिहार में कंपनी फैक्ट्री कब लग सकती है? इसमें भी कुछ बताओ। मैं चाहूंगा कि जो अभी तक गणेश भैया ने आपके लिए बोला या हम सभी बोल रहे हैं हम कलाकारों के लिए, आप हमें सबसे छोटे कलाकार हैं, और हमारे इस मनोरंजन के लिए हम कलाकारों को भी मौका देने वाले हैं। बेटा हम चाहेंगे कि आपके दिल में क्या है इस मनोरंजन के लिए, दो शब्द उसके बाद मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले कि हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से मैं गुजारिश करूँगा कि माननीय विधान परिषद सदस्य हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से गुजारिश करूँगा मंच में आइए, और एस के शर्मा जी और अखिलेश राय जी उनका स्वागत करेंगे। थोड़ा सा सब्सक्राइब दे दीजिए प्लीज़ 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 आप सभी से गुजारिश।